हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ प्रीत तिवारी और मेरे चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आप लोग को बताऊंगी स्टाइलेस मॉड न्यू ट्रेंडिंग कुर्ती कटिंग और स्टिचिंग। स्लीवलेस कुर्ती है, यहाँ से शोल्डर ऑफ पहले कट करके बनाया है, शोल्डर ऑफ उसके बाद से उसमें ऊपर से पट्टी जोड़ी हुई है। बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है, आपको वीडियो के एंड में पूरा लुक देखने को मिल जाएगा। और हाँ गाइस, जिसको भी मेरे व्लॉगिंग वीडियो में इंटरेस्ट हो प्लीज़ मेरे व्लॉगिंग चैनल पे जाइए, इंडियन यूट्यूबर प्रीत तिवारी मेरे चैनल का नाम है। वहाँ पे आपको मेरी व्लॉगिंग वीडियोस देखने को मिलेंगी और इस वाले चैनल पे आप लोगों को मेरे ब्यूटी पार्लर कोर्स और कपड़ों की स्टिचिंग कटिंग का काम मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन पर प्रेस जरूर कर लीजिएगा ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मेरे बाल ऐसे क्यों हैं, क्योंकि मैं अभी अभी नहा के आई हूँ और वीडियो शूट नहीं किया था तो मैंने कर लिया, तो प्लीज़ डोंट माइंड। चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, प्लीज़ सपोर्ट मी गाइज। तो गाइज, आज हम लोग कट करेंगे स्लीवलेस कुर्ती, जो कि इसमें बस आलमोस्ट जो हमारा शोल्डर होता है वो नहीं रहेगा, ऑफ शोल्डर कट करेंगे और बाद में कैसे ज्वाइंट करना है वो मैं बताऊँगी आप लोग को। तो कपड़े को पहले डबल फोल्ड कर दिया यहाँ पे, और आपको कोई इसका डिज़ाइन दिख रहा है बीच वाला, एकदम सेंटर में रहना चाहिए। इसको इसी तरीके से फोल्ड करेंगे दोनों कपड़ों को ताकि ये बीच में एकदम सेंटर में आ जाए। इस तरीके से फोल्ड करेंगे ताकि ये वाला जो डिज़ाइन है ये सेंटर में आ जाए। ये देखिए, इस तरीके से मैंने इसको फोल्ड कर लिया, ये पूरा बीचों बीच में आ गया है एकदम, और अब इसमें निशान लगाएंगे। कॉटन कपड़े पे थोड़ा ध्यान से फोल्ड करना होता है, नहीं तो इधर उधर रह जाएगा, जब आप कट करोगे तो कपड़ा आपका बिगड़ सकता है, इसलिए अच्छे से एकदम इसको फोल्ड कर लीजिएगा। तो ये फोल्ड हो चुका है, अभी हम इसका लंबाई चेक कर लेंगे कितना है। इसकी लंबाई है 40 इंच, हमको बनाना था ये 45 इंच का, बट 40 इंच है तो 40 इंच का ही बना रहे हैं। और यहाँ से हम लोग लेंगे ये वाला जो हमारा ज्वाइंट हिस्सा होता है, देखिए इस साइड से खुला हुआ है और इस साइड से ज्वाइंट है, तो ज्वाइंट वाले हिस्से पर से आपको कटिंग करनी स्टार्ट करनी है। तो यहाँ से हम लोग जितना हमारा शोल्डर लेना होता है 7.5 इंच में यहाँ पे शोल्डर ले रही हूँ, उसके बाद से आर्मोस के लिए 6 इंच लेंगे और जितना आपका छाती का साइज है, यहाँ पे 36 इंच छाती का साइज है तो 9 इंच हमारी फिटिंग आ रही है, 1.5 इंच अधिक लेंगे कपड़ों स्टिचिंग के लिए। ओके, उसके बाद से इसमें गुलाई देंगे, तो इस तरीके से गुलाई दे दिया है। जैसे सिंपल सूट कट करते हैं वैसे ही एकदम कट करना है इसको भी। 14 इंच पे हम लोग कमर की फिटिंग के लिए और 14 इंच पे हिप की फिटिंग के लिए निशान लगा लेंगे, और कमर हमारी 32 है तो यहाँ पे 8 इंच पे निशान लगेंगे, हिप हमारी 36 है तो 9 इंच पे निशान लगेंगे। ये तो हमारा फिटिंग है, इसको कट नहीं करना है नहीं तो हमारा सूट बिगड़ सकता है। 1.5 इंच जो अधिक लिया हमने उसको कट करना है, तो आपको यहाँ पे डबल निशान दिख रहा होगा, ये वाला कट नहीं करना है, ये वाला कट करना है। ओके, और जितना कपड़ा बचा है उस पर सीधा एकदम निशान लगा देना है जो हमको कट करना है वहाँ पर, मतलब जो हमारा घेरा है उसको भी नाप लीजिएगा, 11 इंच आ रहे हैं, पूरा 11 इंच में हमने घेरा कट किया, घेरा का निशान लगा दिया है। तो इसको कट कर लेते हैं, उसके बाद इसमें डिजाइनिंग देते हैं, ये सूट का डिजाइन देते बनाना है। ठीक है, यहाँ से मैं इसको कट कर लेंगे, तो इस तरीके से पूरा कट कर लेंगे और ये जो हमारे हिस्सा यहाँ पे थोड़ा सा कपड़ा कट कर देंगे ताकि जब हम अपना चौक बनाते हैं तो हमको दिक्कत ना हो। तो ये कट कर दिया यहाँ पे और यहाँ से बराबर इसको छांट लेंगे ताकि जो भी ऊपर नीचे कपड़ा हो वो निकल जाए। इस तरीके से कट कर लिया, शोल्डर को अलग अलग कर देंगे, कॉटन कपड़ा है तो थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, चिपक जाता है। अब इसमें हमको डिजाइनिंग देनी है, तो ये देखिए अब डिजाइनिंग इसमें कैसे बनानी है। तो डिजाइनिंग के लिए जो हमारा ये शोल्डर है वहाँ से आपको 4 इंच नीचे एक निशान लगा लेना है। ओके, और यहाँ पे जितना आपको मतलब वो रखना है सूट, तो गले की लंबाई मान लीजिए हमको 6 इंच रखना है, तो यहाँ पे आपने 4 इंच लिया है, यहाँ पे 6 इंच। ओके, तो यहाँ से आपको
इस तरीके से मिलाना है। ध्यान से देख लीजिएगा गाइस ताकि कोई दिक्कत ना हो। इस तरीके से ये आलमोस्ट ऐसी रहेगी। अब यहाँ से इस तरीके से इसको कट कर देंगे। बहुत ही प्यारा लगता है ये डिजाइन। ऊपर से हम लोग अलग अलग कपड़ा लेके और उसको ज्वाइंट करेंगे। इसको मैं खोल के दिखाती हूँ कि किस तरीके का कटा है। तो ये देखिए इस तरीके का ये कटाया है। ओके, अब इसका जैसे जैसे ये है वैसे ही आपको इसका गला पट्टी निकालना है। गला पट्टी आप इसको रख के निकाल सकते हो और ऊपर से हमको इस तरीके से इस पर कपड़े को ज्वाइंट करना है दोनों साइड से। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गला पट्टी निकालने के लिए आपको क्या करना है, ये जो आपका कपड़ा बचा हुआ था कपड़े को डबल रखना है और ये जो आपने कट किया है इसको रखना है। ओके, जैसे जैसे है वैसे ही सेम आपको निशान लगा देना है इसमें। ठीक है, ये आलमोस्ट है। यहाँ पे हमने इस तरीके से निशान लगा दिया। ये आपका सूट का जो गला था वो है, तो यहाँ पे भी निशान लगा दिया है। और यहाँ से इस तरीके से आपको निशान लगाना है। ऐसे निशान लगाने के बाद से यहाँ से डेढ़ डेढ़ इंच पे छोड़ के आप चाहो तो नाप भी सकते हो। जैसे डेढ़ इंच यहाँ से छोड़ के मैंने डेढ़ डेढ़ इंच पे पूरा निशान लगा लेना है इस तरीके से। और इसको मिला लेना है। इसको कट कर लीजिए जैसे जैसे है वैसे वैसे इसको कट कर लीजिए। बहुत ही आराम से आप सिल लोगे, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। ये हमारा इस तरीके से कट हो गया है। जो हमने ये सूट की कटिंग की थी इसके ऊपर सिंपली ऐसे रखना है उल्टी तरफ से और सीधी तरफ इसको पलट लेना है। जैसे जैसे है वैसे वैसे रख के इसको सिल लेना है। ओके, यहाँ से ऐसे सिलोगे और इसको पलट के उस साइड से आ जाएगा। तो ऊपर कैसे ज्वाइंट करना है वो भी देख लीजिए। जो ऊपर ज्वाइंट करना है उसको 10 इंच हमको लंबा कपड़े को कट करना है। देखिए ये वाला हमारा कपड़ा है तो इसको डबल फोल्ड किया हुआ है। दस इंच इसको नाप के जैसे यहाँ से 10 इंच ले लिया। दस इंच ये ले लिया और 6 इंच इसकी चौड़ाई ले लेंगे। सॉरी यहाँ से नाप लेते हैं कितना है, 3.5 इंच चौड़ाई है। तो 3.5-3 इंच के इस तरीके से निशान लगा देंगे और इसको कट कर देंगे। डबल फोल्ड करके कट करना है ताकि हमको उलाटना है इस कपड़े को। इसलिए तो ये कट कर लिया है। ये जो हमारा गला का जो साइज़ है यहाँ पे आपको इसको जो आप पलट लोगे तो ये ऐसे सिल के ऐसे रख के ऐसे सिल के इसको पलट लेते हैं। पलटने के बाद से यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे थोड़ा पतला करके ऐसे ज्वाइंट कर देंगे इसको। बहुत ही प्यारा लुक आएगा। देखिएगा पूरा वीडियो एंड तक स्टिचिंग कैसे करनी है इसकी। यहाँ पर थोड़ा सा पतला कर देंगे ऐसे, हल्का सा पतला, ज़्यादा पतला नहीं करना। 1-2 चुन्नट ऐसे लगा देंगे। ओके, तो चलिए गाइस सिलाई बताते हैं कैसे सिलाई करना है आपको। तो हमने जो अभी शोल्डर के पास से जो नेक मतलब गला कट किया था, शोल्डर ऑफ भी बोल सकते हो आप इसको, तो कैसे सिलाई करना है तो ये हमने उल्टी तरफ से ऐसे रखा है और जो पट्टी कट की थी उसको आपको लेना है
और पट्टी को जैसे जैसे कट किया है वैसे वैसे इस पर लगा लोगे ऐसे, और जैसे जैसे आपने रखा है वैसे वैसे ही हाफ हाफ इंच कपड़ा छोड़ते हुए इसको स्टिच मतलब सिलाई कर देना है। तो चलिए सिलाई करके दिखा देती हूँ। तो यहाँ से जैसे जैसे कट किया था वैसे वैसे पूरा कपड़े को सिल लेना है। ओके, बिल्कुल भी जल्दीबाजी मत कीजिएगा गाइज, आराम से। अगर आप नए नए सीख रहे हो कपड़ों की स्टिचिंग करना तो बिल्कुल आराम आराम से करिएगा। आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे हर टाइप के ड्रेस डिजाइनिंग और ब्यूटी पार्लर कोर्स से रिलेटिव सारा काम। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, और सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन आएगा उस पर प्रेस कर देना, ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड करूँ तो नोटिफिकेशन आप लोग के पास पहुँच जाए और आप लोग मेरा वीडियो देख पाएँ। तो इस तरीके से सिलने के बाद से बीच से इसको थोड़ा सा कट कर देना जहाँ तक सिलाई है, ताकि आपको पट्टी को पलटने में दिक्कत ना हो। अब इसको इस तरीके से पलट लेंगे और ऊपर की तरफ से ये सीधी तरफ आएगा पट्टी, ध्यान दीजिएगा पट्टी ऊपर की तरफ आना चाहिए सीधे की तरफ। तो इस तरीके से पट्टी को बैठाएंगे और हल्का हल्का फोल्ड करते हुए अंदर की तरफ इसको सिल लेंगे पूरा पट्टी को। आप लोग मेरे व्लॉगिंग चैनल पे भी जा सकते हो गाइज, मेरे व्लॉगिंग चैनल का नाम है इंडियन यूट्यूबर प्रीत तिवारी, वहाँ पे आपको मेरी व्लॉगिंग वीडियोस देखने को मिलेंगी। तो इस तरीके से फोल्ड करते हुए पूरे कपड़े को अंदर की तरफ पट्टी को फोल्ड करते हुए स्टिच कर लेना है। पूरा वीडियो देखते रहिए फाइनल लुक देखने के लिए। ये कुर्ती मेरी सिस्टर इन लॉ का है, लास्ट में वो पहनेंगी और मैं फ़ोटो भी डाल दूंगी वीडियो के एंड में। फाइनल लुक आपको अच्छे से दिख जाएगा, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और सिल के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही स्टाइलिश लगता है, ऑड भी नहीं लगता है और लुक भी बहुत अच्छा आता है। तो इस तरीके से पट्टी को हल्का हल्का फोल्ड करते हुए सिल लेना है। वीडियो बहुत लंबी हो जाती है गाइस सिलते सिलते, इसलिए थोड़ा सा फास्ट करना पड़ता है, तो प्लीज़ डोंट माइंड। लेकिन मैंने इतना फास्ट नहीं किया है कि आप लोग को समझ में ना आए, अच्छे से समझ में आ रहा होगा और अच्छे से अच्छे डिज़ाइंस मैं अपने चैनल पे लेके आऊँगी। तो आप लोग बताइएगा आपको कौन सा किस टाइप की वीडियो ज़्यादा अच्छी लगती है मेरे चैनल पे, ताकि मैं उसी टाइप की वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा डाल पाऊँ। तो ये हो गया कटिंग, स्टिचिंग। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है ना पट्टी। अब दूसरे वाले पल्ले को भी सेम इसी तरीके से सिल लेना है। पट्टी को उल्टी तरफ से रख के स्टिच करके सीधी तरफ पलट दोगे और हल्का हल्का फोल्ड करते हुए पट्टी पे सिलाई चला लोगे। तो चलिए इसको पूरा सिल के और फिर आते हैं। तो ये देखिए दूसरी वाली पट्टी को भी इस तरीके से फोल्ड करके और पूरा स्टिच कर लेना है दूसरे वाले पल्ले में भी। तो इस तरीके से पूरा मोड़ते हुए रखेंगे और यहाँ से इस तरीके से सिल लेना है। ओके, तो चलिए सिल के दिखा देती हूँ इस तरीके से। तो ये हमने सिल लिया यहाँ पे। अभी क्या करना है, दोनों पल्लों की पट्टी तो हमने लगा ली है नेक पे। अब जो हमने ये कपड़ा कट किया था 20-20 इंच का ये लंबाई है, तो इसको डबल फोल्ड करके इस तरीके से स्टिच कर लेंगे दोनों साइड से और बीच से इसको उलट लेंगे। यहाँ से ओपन करके और इसको उलट लेंगे और इसको आपको शोल्डर की पट्टी बनानी है। तो पूरा देखते रहिए अच्छे से समझने के लिए। तो एक तो हमारा यहाँ पर बन गया, दूसरे वाले को भी इसी तरीके से स्टिच करना है और शोल्डर में जॉइंट करना है। तो ये है दूसरा वाला, इसको भी इस तरीके से सिलेंगे। दोनों साइड से इसको सिलने के बाद से इसको भी पलट लेंगे और इसको कुर्ती में ज्वाइंट कैसे करना है शोल्डर पे, तो चलिए वो देख लेते हैं। कंधे पे इसको कैसे लगाना है, तो इस तरीके से पलटने के बाद से हमने जो पट्टी लगाई थी वहाँ पे जो ये वाला नोक था यहाँ से आपको सिलना है। हल्का सा चून लगाएंगे इसमें और ऐसे यहाँ पे सिल देना है। तो अभी मैं सिल के दिखाती हूँ किस टाइप का लुक आया है।
तो ये देखिए इस तरीके से आपको लगा लेना है। और दूसरी साइड भी यहाँ पे इस तरीके से सिल लेना है। बहुत ही प्यारा स्टाइल लगेगा, बहुत ही यूनिक सा है, तो आप जरूर ट्राई कीजिएगा। मैंने पहले दो वीडियो डाली थी स्लीवलेस कट कुर्ती कटिंग एंड स्टिचिंग की, तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई है, तो मैं इस टाइप की वीडियो और भी लेकर आऊँगी आप लोगों को। उस वीडियो को जितना प्यार दिया प्लीज़ मेरी और भी वीडियोस को, मेरे कपड़ों की स्टिचिंग कटिंग वाली वीडियो को उसी तरीके से प्यार दीजिए, ताकि मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ लेकर आऊँ। अब दूसरा वाला पल्ला लेंगे और दूसरी साइड इसको ज्वाइन कर देंगे दोनों पल्लों में। तो इसको जोड़ने के बाद फिर इसको बस सिंपली फिटिंग कर देंगे, जितना भी आपका साइज होगा, साइज में आपके सूट में फिटिंग करने के लिए मैंने वीडियो पहले डाला होगा, अच्छे से समझ लीजिएगा, देख के तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे इसको भी ज्वाइंट कर देंगे और बस फिटिंग करके चाप सिलाई कैसे बनाना है, चौक जो बनाते हैं सूट में वो भी देख लीजिएगा। तो ये हो गया, अब बस इसको सिंपली फिटिंग कर देंगे यहाँ पे इस तरीके से। जहाँ तक आप जहाँ पे आपने कट किया था सिलते थे वहाँ तक ही आपको फिटिंग करने है, दोनों साइड से फिटिंग कर देंगे। तो दोनों आर्महोल्स को नाप लेंगे, सेम साइज़ होना चाहिए, तो दोनों आर्महोल्स को नाप के दूसरी साइड भी इसी तरीके से सिलाई चला लेंगे। लगभग हमारा सूट कंप्लीट होने वाला है, तो इसका साइज एक बार वो देख लेंगे नाप के, उसके बाद से हम लोग चौक जो बैठाते हैं जो लास्ट पॉइंट था, इस तरीके से कपड़े को फोल्ड करेंगे और यहाँ से ऐसे सिलाई चला देंगे। इसकी वीडियो मैं अलग से भी डाल दूँगी, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि सूट में चौक कैसे बैठाते हैं। इस तरीके से पूरा सिल के लाएंगे, फिर यहाँ का जो हिस्सा होता है उस पे मशीन का जो चाप होता है उसको इस तरीके से मोड़ेंगे और फिर इस तरीके से मोड़ेंगे और सिंपली फिर नीचे की तरफ सिल के ला देंगे। तो मैं दिखाती हूँ कि किस टाइप से बैठा है ये चौक। तो ये हो गया, दूसरी साइड भी सेम इसी तरीके से बना लेना है आपको, ये देख सकते हो बहुत ही आसानी से और बहुत सिंपल तरीका है बनाने का। ये था सूट का फाइनल लुक, कैसा लग रहा है गाइज जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। लग रहा है ना बहुत ही स्टाइलिश और बहुत यूनिक सा, बैक से इस टाइप का लग रहा था। अगर आपको मेरी मेहनत दिखी हो, सूट थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि और भी गर्ल्स को हेल्प मिले। कैसी लगी आप लोग को कुर्ती कटिंग स्टिचिंग, कैसी कुर्ती का लुक कैसा था, सब कुछ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और भी डिज़ाइनर कुर्ती वगैरह सीखनी हो तो प्लीज़ बता देना, ताकि मैं और भी इस तरीके की वीडियोज़ आप लोग के लिए लेकर आऊँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो का। अपना ख्याल रखिए और मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा। बाय गाइज़।